नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण सात प्रथम सत्र विषय हिंदी में पाठ चार कथनी और करनी पाठनी अंदर व्याकरण समझीशू। जेमा पहला शब्दार्थ आपेला छे, तो शब्दार्थनी अंदर पहलू सवारा यानी सजाया, अंतर यानी वेद, पार्क यानी बाग बगीचा जहाँ सभी लोग घूमने के लिए आते हैं, कतार यानी पंक्ति जहाँ लोग लाइन में खड़े होते हैं, वर्जित यानी निषेध मनाई, निषेध यानी कोई भी काम मत करो इसलिए उसे वर्जित भी कहा जाता है, कंडक्टर यानी परिचालक, शीघ्र यानी जल्दी, तपाक से जोश के साथ जल्दी से जो काम तपाक से हो करते हैं उसे जोश के साथ जल्दी कहते हैं, पोता यानी पुत्र का पुत्र उसे पोता कहते हैं, प्रतीक्षा यानी इंतजार, राशि यानी रकम, आचरण यानी व्यवहार, सदैव यानी सदा के लिए। इस तरह कथनी और करनी पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं। आगे देखते हैं मुहावरे। मुहावरे ना अर्थ अने वाक्य ना प्रयोग आपणे समझिए। गुणों की खान होना यानी बहुत गुणी होना, वाक्य उसका हमारी पाठशाला में सभी बच्चे गुणों की खान है यानी बहुत गुणी बुद्धिशाली है। पानी पानी हो जाना बहुत लज्जित हो जाना, उसका वाक्य एक आदमी बहुत झूठ बोलता था, एक बार उसका झूठ बोलते हुए वह पकड़ा गया तब वह पानी पानी हो गया यानी बहुत लज्जित हो गया। इस तरह से मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग होते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, उसमें सच्चा तो सच्चाई होती है, ऊंचा यानी ऊंचाई, इस तरह से भाववाचक शब्द देखने को मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा जो वाक्य दिए गए हैं उनमें कौन से हैं वो देखते हैं। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो यह मनुष्य वो जातिवाचक है। उसके बाद शिल्पा ने चार पौधे बोए यानी लगाए, तो शिल्पा ने चार पौधे, तो जो पौधे है वह जातिवाचक शब्द है। उसके बाद शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो यहाँ शहर शब्द वो जातिवाचक संज्ञा है। कहा जाते हैं शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। नेक्स्ट फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो फूल वो जातिवाचक संज्ञा है, सबको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ समझिए विद्यार्थी मित्रों, जातिवाचक संज्ञा के मनुष्य, पौधे, शहर और फूल ये सब जातिवाचक संज्ञाएँ है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों कथनी और करनी पाठनी अंदर शब्दार्थ, मुहावरे
भाववाचक संज्ञा अने जातिवाचक संज्ञा जोवा मळे छे। तो हूँ आशा राखू छू कि आप आ पाठनी अंदर तमने संपूर्ण समझ मरी गई हशे।